ज्योति का बिछाव नहीं करेगा आलोक। आलोक को किसने हड़काया या फिर बच्चों का मोह सताया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आलोक हिम्मत हार गया कि अब हम ज्योति के भारी भरकम पद और उसके द्वारा लगातार परिवार पर किए जा रहे मुकदमे से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हथियार डालना ही ठीक रहेगा। उसका मनोबल गिर गया। क्या आलोक द्वारा शिकायत वापस लेने के बाद ज्योति के तरफ से आलोक और आलोक के परिवार पर जो अपराध दर्ज कराया गया है उसे ज्योति वापस ले लेगी? परिवार न्यायालय में 2 बार तारीख पर ज्योति नहीं पहुंची थी। ज्योति द्वारा परिवार न्यायालय के केस में 2 बार नहीं पहुंचने के मूल में क्या यही बात थी कि दोनों में सुलह समझौते की बात पहले से चल रही थी, जिसके कारण केस को लटकाया गया मूलतः ज्योति के तरफ से? जांच अधिकारियों के सामने सोमवार को आकाश का पहुंचना और शिकायत को वापस लेना, मन से हारे हुए सिपाही की तरह बयान देना, बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी है। फिल्म खिलौना का यह गीत जो मोहम्मद रफ़ी की तरफ से गाया गया है, जो काफ़ी सटीक बैठता है इस प्रकरण पर, तेरी शादी पर दूं तुझको तोहफा में क्या, तेरी शादी पर दूं तुझको तोहफा में क्या, पेश करता हूं दिल एक टूटा हुआ, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही दिल रुबा है मेरी, खुश रहे तू सदा, जा मैं तनहा रहूं तुझको महफिल मिले, जा मैं तनहा रहूं तुझको महफिल मिले, डूबने से मुझे तुझको साहिल मिले, आज मर्जी मेरी ना खुदा है मेरी, खुश रहे तू सदा यह दुआ है मेरी। अंतिम लाइनें हैं, उम्र भर ए मेरे दिल को तड़पाएगा, उम्र भर ए मेरे दिल को तड़पाएगा, दर्द दिल अब मेरे साथ ही जाएगा, मौत ही आखिरी बस दवा है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। कल के हमारे वीडियो में कई एक मित्रों ने अपना अपना आकलन प्रस्तुत किया है, मैं उसे भी चर्चा में शामिल करना चाहूँगा और यह भी बताऊँगा कि इसके मूल में क्या कारण हो सकते हैं। एक सज्जन आलोक के इस कदम से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा आलोक को जेल भेज देना चाहिए। ओम प्रकाश साहू नामक हमारे मित्र हैं, वह कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि ज्योति मौर्या के भ्रष्टाचार की जांच करें। मुन्ना प्रसाद का कहना है कि अब समझौता ही करना था तो इतनी बेइज्जती क्यों कराया, शायद पैसे रुपए में बहुत दम होता है। अनिल कुमार मिश्रा आलोक पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि शिकायत वापस लेने का कारण क्यों नहीं बताया, बताना ही पड़ेगा, शासन तुम्हारा नौकर है क्या? एक सज्जन कह रहे हैं जब मनीष दुबे का कुछ नहीं हुआ तो ज्योति का क्या होगा। चंद्रमोहन का आकलन है कि उसने आलोक से अकेले में माफ़ी मांगा होगा। एक सज्जन कह रहे हैं अगर पीसीएस ज्योति पर आँच आती तो कई चेहरे बेनकाब होते, इसलिए ऐसा हुआ है। रामवीर सिंह कहते हैं कि ज्योति की जगह अब आलोक को जेल जाना पड़ेगा। आलोक के कोई शुभचिंतक कह रहे हैं कि ज्योति से तलाक ले लो, आगे की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, चुपचाप तलाक ले लो। धनराज शर्मा की तरफ से कहा जा रहा है कि समाज में जो गंदगी फैलाया इन लोगों ने उसका क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अधिकारी गुनाह करके बच जाए और लगातार कमजोर मजदूर लोगों पर कार्रवाई होती रहे और उनका पक्ष भी न सुना जाए तो ऐसे गुनहगारों का मनोबल बढ़ेगा। रविंद्र कह रहे हैं परिवार टूटने से बच जाए तो अच्छा ही है। मोहन पाल न्याय पर सवाल खड़ा करते हुए कह रहे हैं कि जिसके पास पावर होता है वह 1000 गुनाह करके भी बच निकलता है, जिसके पास पावर और पैसा होगा वह कानून को कुचल देगा। दीपक कह रहे हैं आलोक भाई ने बहुत गलत किया। एक सज्जन कह रहे हैं सही हुआ, औकात नहीं था तो बीबी को पढ़ाया क्यों, शर्म आनी चाहिए। हमें लगता है जिस तरह से आलोक मीडिया कर्मियों से आँख चुरा रहे हैं उसे देख कर जो बातचीत हो रही है उसके आधार पर समझा जा सकता है कि आलोक के ऊपर भारी दबाव है। मिस्टर पांडे कह रहे हैं कि इस मामले में गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आलोक ने समय को देखकर सही फैसला लिया है। कमलेश कह रहे हैं मनीष दुबे को कुछ नहीं होगा क्योंकि वह जातीय आधार पर ब्राह्मण है। रामदत्त जी जोर देकर कह रहे हैं कि SDM ज्योति पर जो पैसा लेने का आरोप लगाया गया है उसकी जांच होनी चाहिए।
महेश के द्वारा कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि केस के पीछे लेन देन का कोई समझौता हो गया है। मेरे विचार से ज्योति फिर भी आलोक को छोड़ देगी, आगे छोड़ेगी ही। सैकड़ों मित्रों के कमेंट हैं, सभी का नाम लेकर के वाचन करना संभव नहीं है। एक सज्जन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आलोक बुजदिल एवं डरपोक है, डर से ऐसा किया होगा, धमकियों से डरा होगा, मौत से डर गया होगा, गलत लोगों को सजा दिलाना चाहिए था, ज्योति मौर्या कानून से ऊपर नहीं है, अब शायद वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आलोक चतुर्श्रेणी का कर्मचारी भले ही था, जो ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सचिव, जिला पंचायत राज अधिकारी जिन्हें DPRO कहते हैं, खंड विकास अधिकारी जिसे BDO कहते हैं, जिनके नीचे काम करता था, उसका कार्य सफाई करना है, समयबद्ध अपने काम पर जाना और सफाई कर वापस आना है। शुरू शुरू में ज्योति मौर्या को लगा होगा कि ठीक है, हमारा पति सरकारी सेवा में है, किंतु PCS में चयन होने के साथ ही उसका दिमाग धीरे धीरे बदला होगा। ट्रेनिंग के बाद ज्योति अब जब बनी होगी SDM, आलोक जैसे अर्दली चतुर्श्रेणी के कर्मचारी उसके अगल बगल रहे होंगे, पेशकार और बाबू भी जी मैडम जी मैडम जी करते रहे होंगे, उसके नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल लोगों की एक भारी फौज रही होगी। इसी बीच कमांडेंट मनीष दुबे आता है ज्योति के जीवन में, फिर यहीं से बात बिगड़ती गई। ज्योति की स्वच्छंदता में बड़े बाधक के रूप में आलोक रहा होगा, और यह कारण जब मनीष को ज्योति ने बताया होगा तो आलोक को किनारे लगाने पर दोनों की बातचीत हुई होगी। शायद इन्हीं संदर्भों को लेकर ज्योति ने आलोक से तलाक का मुकदमा दाखिल किया होगा। अपने अधिकारों के साथ जी सर और संपूर्ण अदब में रहने वाला अधिकारियों के सामने आलोक संभवतः पुरुष मानसिकता के चलते ज्योति को अदब में लेता रहा होगा, लेगा भी क्यों नहीं, ज्योति उसकी धर्मपत्नी जो है, उसका स्वामी है आलोक, उसे पढ़ाया लिखा और मुकाम तक पहुंचाया। छोटी छोटी घटनाएं और अल्प विवाद तथा बात बात में हस्तक्षेप की स्थिति तूतू में तक आई होगी, जब आलोक ने मनीष दुबे का चैट देखा और यह विवाद और भी साथ में आसमान तक पहुंचा होगा। आलोक जब ज्योति को उसका आपत्तिजनक चैट दिखाया होगा तो वह कानूनी सहारा लेकर एक मुकदमा फिर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में आलोक के खिलाफ दर्ज कराया होगा, निजता के अधिकार को लेकर। आलोक ज्योति के एक एक कारनामे पर अपनी कड़ी दृष्टि रखता था, जो ज्योति के स्वच्छंद वातावरण में खलल डालने के लिए काफ़ी था। जब आलोक ने ज्योति द्वारा शुभ लाभ के साथ लिखा हुआ पेपर अपने कब्जे में लिया, जिसमें कई विभागों द्वारा ली गई रिश्वत का उल्लेख किया गया था, तो स्वाभाविक है ज्योति का डरना, तिलमिलाना और आक्रामक होना, क्योंकि यही वह कमजोर स्थिति थी जिसमें ज्योति के लिए नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था। इन सब के बीच में ज्योति का व्यवहार आलोक के साथ पति और पत्नी जैसा सम्मानजनक नहीं रहा होगा। वह बात बात पर आलोक को डांटने लगी, आलोक के साथ खराब व्यवहार करने लगी, और ज्योति ने यह एहसास करा दिया कि तुम्हारी हैसियत हमसे बात करने और हमारे साथ कुर्सी पर बैठने की नहीं है। आलोक को ठेस लगना स्वाभाविक है और बात बिगड़ती गई। अपने उन दिनों को याद करने लगा होगा जब ज्योति को उसने तनख्वाह के पैसे से महीनों की फीस दिया, अन्य खर्च दिया, और पत्नी तेज़तर्रार होनहार है, पढ़ लिख कर बड़ी अधिकारी बनेगी, वह सब बात उसके जेहन में आई होगी। फिर ताना मारना और इन सब बातों को लेकर के मामला गहराता गया। अगले वीडियो का इंतज़ार करें, मैसेज वीडियो लंबा होगा, इसलिए यहीं इसका उपसंहार करता हूँ। सादर नमस्कार।